और तुम लोगों को पनिशमेंट के रूल समझा दूं। अच्छा। पहले तो हर बात पर करना है यस सर, ये तो आपने करना है यस सर, और उसके बाद सलूट मार के अपनी पनिशमेंट को सर अंजाम देना। की पहली पनिशमेंट है मेरे पांव जो हैं वो धो के, जरा पहले धोए लें फिर आपको बाकी बताता हूँ। मेरे भी तो अभी तक समझ ही नहीं आई हमारी, हम तुम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम लोगों ने 20 सालों की मैल उतारनी तो 500 ये देखो सही से करो सही से सलूट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्तानी जी, वेलकम बैक टू कसनाली जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग गाइस। वेलकम हो गया आप लोगों का एक न्यू व्लॉग के अंदर, और आज का व्लॉग जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर। ठीक है, हम बैठ के देखेंगे कि किसका कमेंट ज्यादा आया है ए टू जेड ड्रिंक चैलेंज के ऊपर। ठीक है, जिसने जिस कमेंट के ऊपर ज्यादा लाइक हुए और वो टॉप पे हुआ कि अली भाई आप लोगों ने ये पनिशमेंट देनी है, या ये इनसे ट्रीटमेंट लेना है, या इनसे कोई आप लोगों ने कोई ट्रीट लेनी है, जो आप लोगों ने कमेंट किया होगा ना यार, उसके ऊपर मैं ना आज अमल दरामद करने जा रहा हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है, इनका जो है ना आज टाइम बहुत खराब जाने वाला है, क्योंकि कल का मैच हार गए थे, लास्ट मैच हम हारे थे और इन्होंने हमारे साथ पनिशमेंट की थी, और अब हम करेंगे जो आप लोग कहोगे। तो हम देखते हैं अपने आप लोगों के कमेंट्स उस व्लॉग के, और जिसके कमेंट्स पे ज्यादा लाइक हुए उस कमेंट के नेम भी लिया जाएगा व्लॉग में, उस आईडी का, और उस कमेंट पे अमल दरामद भी होगा। थैंक्स। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस पनिशमेंट व्लॉग को करते हैं स्टार्ट, और फर्स्ट आपके देखते हैं कमेंट्स। मैं जा रहा था कमेंट्स की तरफ और कमेंट्स हैं पनिशमेंट 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 लाइक द पनिश देम पनिशमेंट आर कजनोलॉजी, और सबसे ज्यादा लाइक्स हैं इसके ऊपर पनिशमेंट आल कजनोलॉजी। तो गाइज आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई है, 80 लाइक कर दिए इस पे, 81 लाइक। ठीक है, और इसके कमेंट्स देखते हैं हम रिप्लाई में क्या आया। नो जी बड़े आए पनिशमेंट वाले, माशाल्लाह काफी खिलाफ नहीं जा सकते, इसीलिए और गाइज लगी नहीं है फिर भी तुम लोग उनकी बात ही मान। 81 लाइक्स किए हुए और 4 रिप्लाई भी आए हैं इस कमेंट के ऊपर, तो यार इस कमेंट के रिप्लाई भी पढ़ते हैं। और नो जी बड़ी आए तुम पनिशमेंट वाली, यार रहीम राज तुम्हें अब इसने हन्नू बना दिए तो मैं क्या कहूँ, पर तुमने तस्वीर लड़कियों की लगाई, आई डोंट नो तुम लड़की भी हो सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं नीचे। मैं अलीशा के खिलाफ नहीं जा सकता इसलिए आप इन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो। लो जी वाह जी वाह, शक्ल देखी है तुम लोगों ने अपनी, हैं आधी आवाम हमारी तरफ है आधी तुम लोगों की तरफ है, अब तुम लोग सोचो करना क्या है। आधी आवाम का रिप्लाई अभी देख लेते हैं ना। लो जी ये हंस रहा है, इसका कमेंट कैंसिल। क्यों भाई आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा रहे सक, ओके कोई मसला नहीं है, आप उसके क्या लगते हो। ठीक है भाई, कहना ये चाह रहा है कि भाई कहना ये चाह रहा है कि ऊपर उसने कहा ना अलीशा के खिलाफ नहीं जा सकता, तो वो कह रहे हो भाई आप क्यों नहीं जा सकते, आप उसके क्या लगते हो। ठीक है, उसका जो कमेंट था वो बिल्कुल खाक करके, खाक में मिला के इन दो बंदों ने, ठीक है, उसे डन कर दिया। ठीक है, इन दोनों ने उसको, और तुम्हारा पॉइंट फिर से हो गया है 0। अब जो है ना रेडी हो जाओ पनिशमेंट के लिए। ये क्या बात हुई अली यार, अरे तो यार हम तो बहने हैं, छोड़ दे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है। ये हाँ। क्या भाई वो ऊपर से आया है कि नहीं छोड़ना, नहीं माफी देनी, ऑर्डर आया, ऑर्डर आ गया बस। तो क्या करवाओगे क्या दोनों हमसे, यार क्या करवाएंगे आज पनिशमेंट में। पनिशमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं यार गाइस, पनिशमेंट में जैसे हम इनसे सेइंग यस ले सकते हैं, वो इनके लिए सबसे टफ पनिशमेंट होगी। या फिर मैंने कमेंट्स देख रहा था तो उसमें एक कमेंट था कि आप लोग बॉयज को जो है ना वो दो प्रिंस ट्रीटमेंट, क्या वो क्या कह, वीआईपी ट्रीटमेंट दो इन्हें। ठीक है, जो कहें वो करो, वो सेइंग यस में ही आ जाता, सेम है। तो हम वाह 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 वाह, मेरी ना हवा खराब हो जाएगी, इससे पहले मैं तुम लोगों को अपने पैरों नीचे बिठाऊं, जल्दी से उठ के ना उड़ जाओ। और गाइज आप लोगों को ना हनू मनु से भी मिलवाते हैं, मनु को सार, मनु मेरे मुंह से निकल गया, मनु जो है ना वो पाक पतन वापस जा चुका है। ठीक है, आज सुबह ही निकल गया था और बकर ने उसे रिसीव किया। और बकर कैसे हो, ठीक हो, आज तुम्हें मैं बकर कह रहा हूँ क्योंकि मनु नहीं है यहाँ, ए हनु है। हाँ। हनु बोला ना, फिर भी हनु बोलो, हनु तो बोलो ना।
तुम लोग नहीं बोलोगे, इनको बताया यार बॉस, बताओ ये बीच में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बीच में, हमारे पास मुंह है, हम बोलेंगे। हन्नो तो यार हन्नो रेडी है? रेडी हूं बिल्कुल। ये गाइस वो भी आ रही है, ये डिस्कशन हो रही है कि हमसे ना कुछ ज्यादा ना हो हमारे साथ, और इनको छोड़ना नहीं है यार, नहीं छोड़ना, कैसे छोड़ दे। तुम लोग क्यों नहीं जीत पाए, तुम लोगों के अंदर ज्यादा सी अकल नहीं है यार। देखो ना अगर ईटिंग चैलेंज होता ना तो लेटर से चीजें बहुत कम मिलती है, यहाँ पाकिस्तान में कोई ड्रिंक ही नहीं मिल रही थी हमें। अच्छा एक्से या फिर हम भी तो जीते हैं ना, हम भी तो हमने भी तो पिया ना, चीटिंग की लेकिन हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया ना, हमें सिर्फ सिर्फ पीने का। दही कौन पीता है, दही खाता है। हां यार ये तो ऐसे चीटिंग है यार, मुझे नहीं पता हम लोग रायता भी पी ले यार। वो वैसे वो क्या था, ग्रीन एप्पल का हरा सेब, हरा जूस था आज मैंने वो स्कूल से आते हुए पिया, हरा जूस था वो यार, हरा जूस, हरा जूस नहीं रायता ड्रिंक होती है यार, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज होती है। तो अगर हम लोगों ने हरा हरा जूस किया तो तुम लोगों ने भी तो दही किया है उर्दू में, और रायता भी हमने उर्दू में तो किया ही नहीं, वैसे योगर्ट किया था हमने, तो इंग्लिश में किया था रायता। रायता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असंभव करके ना मेरे नाम मुकाबले ना कर, मेरे नाम मुकाबले ना करते रेडी हो जा पुलिस में चले। ऐसे वाला इन्होंने क्या किया, नींबू पानी। अच्छा ई से क्या किया, इनो का पाउडर डाल के शरबत हाजमेदार शरबत नहीं है, बताओ हाजमेदार की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है इंग्लिश या उर्दू की। तुमने भाई कांजी के शरबत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरे मुझे क्या पता। तो अरे ये बोलो बताओ गाइस कांजी के शरबत को क्या कहते हैं उर्दू में, चीकुंदर जूस। आप गलत कर रहे सर, मेरी बात नहीं जी सकते। कांजी जो है ना वो उससे कैरेट से बनती है, गाजर से बनती है फर्स्ट ऑफ ऑल। हम किनू भी पी सकते थे और भी बड़ी कैसे चीजें थी, बोर्ड ड्रिंक थी ठीक है, पर हम नहीं चाहते थे इनके जैसा कोई सेम हो जाए, डिफरेंट हो ना हमारा सर, डिफरेंट हो। हाँ हाँ तुम फिर भी अलग ही हो अबू बकर हन्नू। किनो को इंग्लिश में किनो ही कहते हैं पता है। हाँ हाय बड़े जो पहले पता हमें लिखा हुआ था, हमने कौन सा नाम से लिखा है। हाँ जी तो मैं इनू की बात कर रहा हूँ, किनो भी इनू ही है, किनो 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 भी किनो है और इनू भी इनू है पता है। हाय हाँ ये नो और ये अच्छा नो यार 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 मेरी बात सुन। एक ना कमेंट आया हुआ था अच्छा। कि अगर अबू बकर हन्नो है और राफे मन्नो है तो फिर अली तुम छन्नो। मोती सीना हीरो सीना डॉगर का नाम छन्नो, हादी को छन्नो, नहीं नहीं ये सभी कुछ यार मैं तो बता ना किंग हूँ यार, किंग छपड़ी किंग नहीं होते म्यूजिक भाई, छपरी किंग होते हैं, छपरी आई एम छपरी किंग। अरे यार सारी बातें छोड़ो अब मेरी बात सुनो, उठो और इधर लाइन में आके खड़े हो, जल्दी करो आओ आओ इधर। हाँ हाँ तराने के लिए आओ, जिस मर्जी के लिए आओ, क्या करना चलो आओ तो सही। वे शर्मो कोई हया करो, पाकिस्तान का नाम तुम लोगों की वजह से डूबता है यार गाइस, इन जैसे घटिया लोगों की वजह से आज हमारा पाकिस्तान इस लेवल पे। बकवास बंद कर, काश के इन जैसे घटिया लोग थोड़ी सी तरक्की कर जाते, हमारे पाकिस्तान के तराने की इज्जत रख लेते तो ऐसा ना होता। आज पाकिस्तान का झंडा अभी तक है आ रही है, चुप करो तू हन्नू, तू भी मिल गया उनके साथ। ए हन्नू है यार गाइस, ये मेरी बात सुनो, चुप करो, डर जाओ, सुन लो मेरी बात यार, ये पाकिस्तान में रहने के लायक नहीं है, इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि इन दोनों को इसे अमेरिका भेज दें, इसे दुबई भेज दें, बाकी ये यूरोपियन कंट्री में किसी में भी डाल देना इसे, इसको ना गटर में भेजो, स्पीकर जो आदमी गली में भेजो इसको।
यार छोड़ो, चौले मारना बंद करो यार, मेरी बात सुन लो। यार बिल्कुल ऐसे नहीं आई मनिया। यार पनिशमेंट करानी है तुम लोगों से यार, थोड़ा सा खुशियां मनाने दो। तुम लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आई हमारी, हम तुम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यार ये बहुत बहुत मुस्कानी है ये। लो जी गाइस, अब जो है ना हम बैठ गए हैं और तुम लोगों को पनिशमेंट के रूल समझा दूं। अच्छा। पहले तो हर बात पर करना है यस सर। क्या करना है? यस सर। छपरी नहीं बोलना, ठीक है? बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। अभी आपने खुद ही तस्लीम किया है, आप हैं सर छपरी। यार ठीक है वो मैं हूँ, पर अभी अभी नहीं बोलना। ओके 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 सर ओके। बात सुनो, और सेकंड रूल, हर पनिशमेंट करने के बाद आप लोगों ने पहले सलूट करना है। मैं ऑर्डर दूंगा, आप लोगों ने करना है यस सर, और उसके बाद आपकी हम ऑर्डर देंगे, हम ऑर्डर देंगे, तो आपने करना है यस सर, और उसके बाद सलूट मार के अपने पनिशमेंट को सर अंजाम देना। ठीक है, तो आपकी पहली पनिशमेंट है मेरे पांव जो है वो धो के, जरा पहले धोए लें फिर आपको बाकी बताता हूँ। मेरे भी पहले जूते उतारने, फिर सॉक्स उतारनी है, फिर धोने। भाई ने बोला करने का तो करने का। जूते तो खुद ही उतार। यस सर बोल, यस सर बोल, सलूट सर, सलूट। अगर अगर नो सर बोला या कोई और चवले हमारी बीच में, तो आप लोगों को गोते दिए जाएंगे पानी में, ये पनिशमेंट रखी जाएगी। पांच मिनट सेकंड अंदर, फिर बाहर निकाल के फिर अंदर। सिर्फ एक सेकंड के लिए सर के ऊपर, सर के ऊपर भाई पनिशमेंट देनी है, वो भी पनिशमेंट हो जाएगी, ये भी पनिशमेंट है, पनिशमेंट तो पनिशमेंट। हम लोग कर सकते हैं गाइस, रेडी हो? यस सर। सलूट वुमेन। यार ये नहीं बात आ रही, मैं क्या पनिशमेंट करा रहा हूं यार। होते हैं, कैसे होते हैं? चलो जाओ लेके आओ पानी, पांव वॉश करो मेरे। हम कर लेंगे। A few moments later. लो जी मुनिया जो है वो ले आई है पानी। शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ ले यार मेरी तो आज वैसी तबीयत अली बिचारी की। अली गाइस, अली यार तुम लोगों ने 20 सालों की मैल उतारनी, तो 19 सालों की मैल उतारनी तो सौ वाला साबुन तब बनता। यार मेरे पनिशमेंट देने का तुम्हारे दिल कर रहा है एक और, कि ये पानी तुम लोगों ने पीना भी है पक्का है। ऐसा नहीं हो सकता, साबुन वाला है नॉर्मल होता तो पी भी लेते। हाँ मरना हमने तो। ये कितनी औसम है यार, अरे कितनी औसम है यार। मतलब ये रेडी थी पीने के लिए है। मैंने ऐसा कब का पाव वाला पानी। लो जी पीर जी, पीर जी पानी, पीर जी पीर जी, हम आपके कदमों में। तो यार ये तो मेरी पनिशमेंट होगी ना, डन। ठीक है अनु, तू क्या कराना चाह रहा है? मैं इसके हाथों के मैल उतार देते हैं। वैसे यार गुड आइडिया, पता नहीं किस मेरे जूते पॉलिश करो अच्छे से, ठीक है, और मेरा जरा बाजू वगैरह सारे साफ कर दो। मस्त प्लान है, सही है। वैक्स लेके करना। नाइस आइडिया सर जी, सर जी वैक्स कराएं, आपकी जो वो जो आपका हन्नूपन है ना, वो आपके ज़रा निखार आ जाएगा। क्या बात है सर, है ना करो। हाँ करे, नहीं नहीं ए हन्नू है। आप ऐसा करो, एक साबुन ले आओ तो मुझे 20 साल आपकी 14 साल की मैल उतार दें। मेहनत मतलब ये मानता है कि ये 14 साल से नहीं नहाया जब से ये पैदा हुआ, तो इसकी मैल हमें उतारने में टाइम लगेगा, है ना? मानते हो ना? मानो 20 साल की मैल उतार रहा है, 20 साल का वहीं पेट में रह गई मैल। यार बकवास बंद कर। जैसा कि गाइस आप लोगों ने कमेंट्स में किया था कि यार आप लोग लड़कियों से लोग VIP ट्रीटमेंट, ठीक है VIP ट्रीटमेंट ले लो या इन्हें सेइंग यस दे दो। और ये देखो कैसे रो रहा है वो, ते गंदे हाथ है, इसके हाथ लगाने का दिल भी नहीं कर रहा। क्या? हाँ ऐसे ऐसे कर रहा है। यार पनिशमेंट हो रही है इनकी बड़ी हैवी वाली, ठीक है, और इनकी तो क्या हैवी हो रही होगी ये देखो। हमारी बारी आ रही है ना, सही से करो, सही से करते हैं। हाँ हाथ हाथ हैप्पी 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 ऐसे ही ऐसे करो।
जी 20 मिनट के बाद जो है पाँव इन्होंने बिल्कुल मेरे चमका दिए हैं और अब बकर जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। और बहुत ही अच्छा काम किया तुम लोगों ने, शाबाश। जाहिर सी बात है हमारी मम्मा ब्यूटीशियन है, हमें इतना तो आता ही है। और ये पहली पनिशमेंट इनकी डन हो जाती है, अभी इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब क्या करवाना है यार, उन्होंने लिखा था ऑल पनिशमेंट्स और यार वो मैंने अपने से कर लिया ना, ऑल पनिशमेंट्स ऑल कॉस्मोलॉजी गर्ल्स। अच्छा हाँ ठीक है, ऑल कॉस्मोलॉजी उन्होंने गर्ल्स या बॉयज नहीं लिखा था, तो वो मैंने लिख दिया ना। अच्छा चलो अब बताओ अब क्या। लो यार पाँव शाँव तो हमारे बिल्कुल नीट हो गए हैं, बकर के हाथ भी नीट हो गए हैं, और आप लोगों ने कहा था VIP ट्रीटमेंट लो और उसके साथ साथ पनिशमेंट दो इन्हें, तो पनिशमेंट होती जा रही है साथ साथ और VIP ट्रीटमेंट्स भी लिए जा रहे हैं। उसके बाद अब जो है ना मेरा दिल शैतानी तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब तो अब बारी आ गई है तुम लोग, बस ट्रीटमेंट और पनिशमेंट हो तो गई है, बस ठीक है अब बस करो। क्या बस करो, अभी तो शुरू हुआ, मेरा तो दिल था 24 घंटे लेके चलूं इसे। तू तो गया बेटे, चौबीस घंटे में हमने मुक जाना। तुम लोग नहीं मुकते, टेंशन है लो, ठीक है। चलाओ जरा इधर आओ मेरे साथ, तुम लोग की नेक्स्ट पनिशमेंट कराऊं तुम्हें। ओ अंदर तो चलो अब, यहाँ क्या करना है पहले बता दो, देख करना क्या है। यार मेरी बात सुनो, तुम लोग की नेक्स्ट पनिशमेंट ये है कि तुम लोगों ने टॉयलेट कमोड के पास जाके ना दो साइड बैठ के ऐसे चीज करना। हाँ ये क्या हरकत है, पनिशमेंट है। यस सर बोलो और सैल्यूट मारो, चलो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, चलो अंदर। गाइस आज रोल के रख देना, कोई मसला नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, दो साइड दो साइड, नीचे बैठो, नीचे 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 बैठो नीचे, हाँ ऐसे, वेरी गुड। कमोड तो नजर आना चाहिए ना, चलो चलो शीशे में नीचे हो जाओ और नीचे हो, वैसे कमोड में देखो ऐसे ऐसे, शाबाश। गाइस कैसे लग रहे हैं ये, सेलिब्रिटी ऑफ द डे, सेलिब्रिटी ऑफ द डे। क्या था, कौन जोया के साथ फोटो लेता है जीवी यार, अभी जोया गंद फैला के आई थी, कह रही थी मैंने फ्लश किया था। स्लैश की जोया से पूछा क्या किया था, कहती स्लैश किया था, फ्लश आउट नहीं किया था उसने, कह रही मैंने स्लैश किया था। अरे कहना क्या चाहते हो, दो हमने कर दिया, अब दो तुम लोग करो। क्या तुम लोग किधर, चंगा ना मैं, बराबरी बराबरी बराबरी, और भी छपरी किंग दे नाल रतन रतन खादी वदे यार, ये ना हल्के में ले रहा है वो, दिखा दो अपना कमाल क्या, अभी तुम देखना, अभी देखो तुम, एडिट कर रहा हूँ तुम्हारी फोटो, अच्छी वाली निकाल लो तो, तुम लोग दूर रहो, पीछे रहो, पीछे पीछे अलीजा के, इसमें आंखें बंद आई हैं, ये ज्यादा अच्छी लग रही है, मुनिया का मुंह गंदा लग रहा है इसमें। अलीजा कह रही है वाओ बहुत अच्छी जगह, ये लो लो जी, टन टन टर, क्या हो गया दूर, हां बहुत प्यारी एडिट हुई है। अब जाओ और कॉस्मोलॉजी के इंस्टाग्राम की स्टोरी देखो। अली नहीं, अली ये क्या हरकत है यार, पागल हो गए, इतने लोगों ने देखना है यार, पनिशमेंट तो पनिशमेंट होती है ना, स्टोरी तो डिलीट भी हमारी इज्जत कर तुमका बड़ा कर रहे हो, आए हाय क्यों बोले यार, कौन है तू, देखो 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 उधर देखो उधर देखो, हाय गाइस मजा आ रहा है, कभी आ रहा बहुत मजे का, और उसे देखने के लिए कॉस्मोलॉजी को सब्सक्राइब करो यार, हैवी होगी इनके साथ। तो यार इंस्टाग्राम पे स्टोरी लग चुकी है, ठीक है, इनकी पनिशमेंट वाली, और मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के भी इंस्टाग्राम पे लगा दी है, और मैं आ गया हूँ अभी किचन में, ठीक है। यहाँ से बाहर से मैं कुछ चीजें वगैरह कलेक्ट करूंगा जिन्हें इन्हें देनी है पनिशमेंट। थोड़ा सा टफ करते हैं यार इस चैलेंज को, क्योंकि ना मैं कहता हूँ कि अभी तक तो बहुत ही मजे का जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है चीजों में, अंडा ठीक है, और देखते हैं जो जो चीजें यहाँ से कलेक्ट करते हैं, मैं चीजें कलेक्ट करके मिलता हूँ आपको।
एक ले ली है मायोनीज और एक है ग्रीन चटनी, और ये जो चटनी है ये बहुत ही चिली सॉसी स्पाइसी चिली वाली है, ठीक है, मैं कद तबाह हो जाएंगे। और एक अंडा ले लिया है और एक टमाटर। चार लड़कियां हैं और चारों को जो है ना हमने तबाह कर दिया। हाँ जी, तो नेक्स्ट पनिशमेंट की तरफ चलें फिर। क्या नेक्स्ट है? क्या डर रहे तो डर तो नहीं ना रे? हम डरने वाले बन गए हैं। हाथ में क्या है तुम्हारा? ये एक टमाटर है और एक ये पकड़ो, टमाटर पकड़ो, ये अंडा पकड़ो। उबला हुआ? हाँ उबला हुआ अंडा। ये क्या है? अब पनिशमेंट ये तुम पकड़ो, ये इसे मम्मीया को दो। ये क्या है यार, मुझे सबसे गंदा। ये सिरप है, ये ग्रीन चिली सॉस है बड़े मजे की। और अली मैं मर रहा हूं। तुम्हारे से स्टार्ट करते हैं, चलो चलो मुंह खोलो जल्दी करो। यस सर और सैल्यूट। यस सर और सैल्यूट का सैल्यूट। पिज्जा पिज्जा यार, मिर्ची होगी। पिज्जा पिज्जा वेरी गुड। अब वॉशरूम जा सकती हैं वैसे दिखाना पूरी। लो वेरी गुड नेक्स्ट। हाँ जी तुम ये मायोनीज का पूरा चम्मच जो है नहीं पसंद। ए चल मुंह खोल, तुझे नहीं पसंद। पानी भी मिला रही हूं। ये क्या बदतमीजी किया अबू बकर, इसने सारा खाना। सही 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 सही। वेरी गुड, अब आप वही वॉशरूम जा सकते हो। कौन से करके बदला लिया तूने? चलो नेक्स्ट, आप टमाटर खा सकती हैं वैसे। यस सर यस सर यस सर। हाँ सारा अंडा खाओगी? ऐसे करो, ऐसे अपने मुंह पे मारो और मलो और फिर जो बचे वो खा जाओ। नहीं यस सर बोलो। शायद एक्सट्रीम हमने तुम लोगों के साथ कभी नहीं किया। शायद आप यार इतने सुकून से बैठे हुए थे क्या? पोकर मुंह पे मत्थे पे मारा ऐसे जोर से। ठीक यार, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, मम्मा डांटेगी। तुम लोग रूम में गंद मचा रहे हो, बाहर चलो किचन में। चलो 12 seconds later. किचन में गंदा हो जाएगा तो इसलिए वॉशरूम में आ गए हैं। जल्दी जल्दी टाइम ना वेस्ट करो। यार लीजा, यार मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है मुंह पे मारना है। सबसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं, तुम बस मारो मुंह पे। पनिशमेंट है तुम्हारी, तुम क्यों हारी? 3 2 1 मजा नहीं आ रहा है यार, ये बर्गर बन रही है, मैं करती हूं दो मुझे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 1 बड़ा हरामी हो बेटा। यार ये कितनी गंदी है। कितनी औसम है, कितनी गंदी है। अपने बालों में लगा लेते गाइस। टमाटर खा लीजिए, जैसे जबान चाटे जरा, थोड़ा सा खाना भी था। लिप्स जरा ऐसे तुम करो। यार ये जो पनिशमेंट्स हो रही है ना, ये बहुत मजा आ रहा है यार इसका, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। इतने कमेंट्स नहीं थे जितने तुमने पनिशमेंट करा लिए, जितने लाइक भी नहीं थे। यार रेड हो गया लीजा। और ये देखो कट भी लग गया यहाँ पे, खून निकल गया इतना सा तो। एक बोतल डुल गई पूरा खून। क्या बस करो, इतना गंदा तुमने मुझे खिलाया, मेरे पेट में दर्द हो रही है, गला सा मेरा सड़ रहा है। मिर्चें ही थी, क्या हो गया? मिर्ची तो क्या ऐसे नहीं खाते मिर्ची, इतना टेस्ट लग रहा है। चटनी थोड़ी देर लगा लगा के खाते, तुम्हें पता नहीं चटनी कैसे खाते, और तुमने मुझे पला दी है पूरी चटनी। बस करो यार, अब क्या बस करो यार। गाइज मुझे ना इसने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, सुबह सुबह मुझे उठा देती है, बच्चे भी होते हैं ठीक है, बच्चों को तो कभी पापा भी छोड़ाते हैं। ये बहुत जिद करती है मुझे, तुम छोड़ के आओ, मुझे कॉलेज छोड़ के आओ, तो इसके कोई ऐसी पनिशमेंट देते हैं कि ये खुद ही कॉलेज जाया करे। ले हजे कड़ा कॉलेज खुलेगा जब मैं खुद ही कॉलेज चले जाऊंगी। क्या मतलब समझ नहीं है इस बात की? अभी कौन सा कॉलेज खुला जो मैं कॉलेज जाऊंगी खुद ही? तो सुबह तुम मुझे तंग करती हो ना, तो उसका हल मैं अभी, यार तुम्हारा हल है, उसका हल मैं अभी निकाल देता हूँ ना, तुम्हें ये पनिशमेंट देता हूँ कल से तुम्हें मैं नहीं छोड़ के आया करूंगा। तो मैं कैसे रेंग रेंग के जाऊंगी फिर? ये भी बात है यार, मैं इस चीज से बड़ा तंग, क्या करें यार। अली तुम्हारी यार मैं, तुम बड़े भाई हो, छोड़ के आना बंद। मैं तुम्हें स्पार्टर बाइक देता हूँ अपनी वाली, ठीक है, वो तुम्हारी, तुम उस पे कॉलेज जाया करो, वापस आया करो, मेरी जान छोड़ो। ये पनिशमेंट मैं पढ़ी हुई हूँ, 1 1 2 2 मिलाना। अब तू मुझे बाइक सिखाएगा? मेरा दिल तो यही है यार, बस मुझे आती तो है चलानी, लेकिन मैं एकदम से रश में नहीं ना लेकर निकल सकती।
चल यार बकर, इन्हें पनिशमेंट देते हैं, आज ये बाइक सीख के रहेगी, नहीं सीखी तो कल से कॉलेज तो तूने जाना ही है, अब ये पनिशमेंट है तेरी, जो मर्जी कर, सीख नहीं सीखती तो जाना तूने बाइक पे। जो भी हुआ अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता, लात टूटे जो मर्जी हो, कोई बात नहीं, चलो चले चलो 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 चलो। जब मनीष पाठक की कोई टांग बार टूटेगी तो फिर अली पाठक, और मेरी टांग बार नहीं टूटनी, मैं बचना ही नहीं है, जिन्नी मेरे बीच जानेगी ये बहुत अच्छी बात कही यार। तो यार मैं अपनी बाइक पिक करने आया था, मैंने कहा था कि यार बाइक जो होगी ना वो रेडी हो गई होगी, पर वो अभी नहीं हुई, सुबह बच्चों को स्कूल से छोड़ के मैं बाइक को दे गया था यहाँ पे सही होने के लिए। इसके इंजन का थोड़ा सा काम रहता था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसका इंजन जो है वो पूरा खुला हुआ है इस टाइम, वो सामने पड़ा, तो बाइक अभी रेडी नहीं हुई, ये पड़ गया है कल पे काम। पर बाइक जो है ना अलीशा को सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने कॉलेज जो है ना वो अपने बाइक पे ही जाया करना है, तो अभी फिर क्या करें। ये किस लिए है प्यारा, किस लिए है, किस लिए है यार, किस लिए है प्यारा हमारे पास, चल यार इस पे ये सिखा, पनिशमेंट तो देनी देनी है, ये तो करना ही करना है, ठीक है, दांत तोड़ानी तोड़ानी है, नहीं यार भी ये ज्यादा हो जाएगा, हाँ, तो कोशिश करेंगे कि उसको कोई इंजरी ना हो, क्योंकि पहले भी वो बाइक बहुत अच्छी चला लेती है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो बाइक ना सही चलाएगी, उम्मीद है। ये साथ साथ लेके आई थी, हैं तेरी बाइक भी, हाँ तेरी बाइक लेके आई थी, बट यार वो महीने बाद एक दफ़ा चला ली, ये वाला सीन है उसका, पर इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे उसकी, ये एक उसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा उसके लिए, और उसके लिए एक स्टेप भी होगा लाइफ का, कि वो अपने ऑन खुद ही मतलब अपने से ही जाए कॉलेज और सारा कवर अप करे, ठीक है, तो प्यारे पे उसका सारा काम उसको सिखाते हैं भाई, चलें फिर घर उसके बाद। बिल्कुल अब मैं आ गया हूँ घर, और जैसा कि आप लोगों को बताया कि मुनिया को पनिशमेंट देनी है, मैंने इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और तूने जो है ना कॉलेज जो कल से तो नहीं गाइस, कल अभी बाइक का आपको पता थोड़ा सा काम हो रहा है, क्योंकि बाइक का काम हो रहा है अभी, यस तो मतलब कल कॉलेज नहीं जा सकेंगे हम बाइक पे, यार गाइस इसे मैंने बताया नहीं था कि बाइक का मैं काम करवा रहा हूं ना, वो स्पेशल तुम्हारे लिए करवा रहा हूं, ठीक है, और तुम्हें मेरा मैंने कहना था कि यार जो बाइक है ना वो तुम कॉलेज लेके जाया करो, मेरी भी नींद ख़राब होती है, मुझे तंग करती हो, डिस्टर्ब करती हो, पनिशमेंट्स की पनिशमेंट, और तुम्हें बाइक जैसी मर्जी चलाओ, और पनिशमेंट का सबसे मज़े का रोल ये होगा कि मैंने बताना नहीं है कुछ भी तुम्हें, क्या नहीं बताना, खुद ही चलाओगी, अली मुझे भी बाइक सिखाना, ठीक है, तुम्हारे पाँव नहीं पहुँच जाएंगे नीचे, सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े, क्या यार वैसे अली तुम्हें मैं सुकून से गाड़ी में एसी में जाती हुई रास नहीं आ रही, नहीं गर्मी में जाओगी बाइक पे कभी बंद होगी, झटके लगेंगे, दो चार दफा गिरोगी, टांग टूंग टूटेगी, सर फट जाएगा, सका भाई है ना, पता नहीं, हाँ सका ही है ना, सका, हाँ सका ही, अच्छा अब हेलमेट हेलमेट पकड़ो, हेलमेट पकड़ो, इस तुम्हारी पनिशमेंट है, सारी बच्चियों को पीछे पीछे भागना होगा इसके साथ, इसके प्रोटेक्शन के लिए पनिशमेंट है, पीछे पीछे भागना क्यों, पनिशमेंट बस, पनिशमेंट पनिशमेंट, यस सर बोलो, चलो यहां ऐसा बाइक चलानी है, ठीक है, हम पीछे पीछे भाग, यस सर बोलो, यस सर, हां चलो चलें, Yes, sir. अच्छा तो अब हम आ गए हैं बाहर पनिशमेंट के लिए, ठीक है, बाइक से हमारे पास पीछे खड़ी नहीं है, सारी बच्चियां भी हमारे साथ हैं, और फर्स्ट अभी अलीशा की प्रैक्टिस करवानी थी हमने, तो मैंने कहा कि अब बाइक सेलेक्ट कर लो, दो बाइक से हमारे पास, मौत का खेल खेलने जा रही हूँ, मौत का खेल खेलने जा रही हूँ, परे हो प्यारा भी है यार, 1-5 से प्रैक्टिस करूँ ना, फिर वो भी चला के देखूं, बताना तुम्हें मैंने कुछ भी नहीं है, जो मर्जी करना है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे चाबी लगाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, जो कुछ करना है तुमने करना है, खत्म, तुम लोग कुछ शिपार्टर बन जाए, तुम लोग कुछ बता सकते हो तो बता दो, मैं तो नहीं कुछ बताऊंगा, गाइस इससे हेलमेट तो सेलेक्ट हो नहीं रहा, कैसे पहनते हैं इसने पता नहीं क्या करना है, जी ईशा जो है वो बैठ चुकी है बाइक पे, और जो बाइक है वो स्टार्ट करनी है, वाह पहली किक में बाइक स्टार्ट, क्या बात है, तो कौन सा तीर मारा, चलो जाओ आराम आराम से, यार मैं क्यों बता रहा हूँ इसे, वो दूसरी लेफ्ट साइड, तुमने साथ जाना था, हल्ली हल्ली साजना धीरे धीरे बालमा, ओ हो हो, ना ना पीछे से उसे तंग नहीं करो, 2000 years later, थोड़ा सा तेज चलाओ, कुछ नहीं होता,
वाह जी वाह, क्या बात है। 100 की स्पीड में जाते हैं इस तरह, ये सुबह सुबह निकलेगी और दोपहर को पहुंचेगी। का साथ गया था और इसने बहुत अच्छी बाइक चलाई, और अब मैं इसे कहता हूँ कि ये अकेली जाए, वो एंड से चक्कर लगा कर काफ़ी अच्छा हाथ, काफ़ी बेहतर हो गया इसका। पनिशमेंट का पनिशमेंट साथ साथ बाइक चलाने को मिल गई इसे। ना अकेली चले जाओगी ना, चला लूंगी भी तुम्हारे सामने, चलाई तो है लेकिन अगर मैं गिर गई नाली तो ये पनिशमेंट तेरे पे बहुत भारी पड़ेगी। पनिशमेंट तो हम कर ही रहे हैं, मेरा सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन पापा से तेरी खैर नहीं होनी। अब मेरा इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं खुद जाके दिखाती हूँ। चलो जाओ होके आओ, देखते हैं कैसी बाइक चलाती है। चल जा। वाह जी वाह, ये तो बिल्कुल परफेक्ट चलाने लग गई है। लोगों से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों से। वुमेन यार, अलीशा गई थी यार, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गई है, जल्दी चलो उसकी तरफ। ओ शिट यार, ओए होए क्या हो गया यार मुनिया, क्या हो गया, क्या हो गया, बाइक उठा यार, उसे साइड पे करो यार, लगी तो नहीं, क्या हुआ है? ओए होए यार, शिट यार, ओए होए बाजू छिल गया उसका, गिरी गया यार, क्या हुआ है? शुक्र शुक्र है हेलमेट पहना हुआ था, कुछ नहीं हुआ। लोग आ रहे हैं बहुत पूछ रहे हैं क्या हुआ है यार, अली बहुत जोर की गिरी हूं यार, यार उसका हाल लग गया। बाइक बाइक ठीक है यार, अभी तो स्टार्ट लिया है, अभी सीखना शुरू किया है उसने और फर्स्ट डे गिर गई है यार। अली तेरी पनिशमेंट की वजह से हुआ है, पापा भी डांटेंगे अब। यार मैंने सिखाना नहीं था तुम्हें, अब तुमने चाया नहीं करना बाइक पे, मुझे घर लेके जाओ यहाँ जल्दी। यार बाइक स्टार्ट कर यार, बता बाइक स्टार्ट कर, चले। शुक्र है हेलमेट पहना हुआ था, वो ज्यादा चोट नहीं लगी, ज्यादा तो नहीं ना लगी। ये देखो इतने परेशान हो गए सारे, मुनिया का एक्सीडेंट हो गया, घर ले आए हैं इसे, घर ला के पानी शानी पिला रहे हैं। और सबकी काली जुबानें थी ना, गिर जाएगी, लात टूट जाएगी, टांग टूट जाएगी, इस वजह से हुआ। अच्छा, अगली बार देखो कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए, हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने पहले कहा था कुर्सी पढ़ लो तुम गिर जाओगी। अच्छा यार छोड़ो अब सारी बातें, ठीक है सारी बातों को ख़त्म करो, अब छोटा सा एक्सीडेंट हो गया उसका, मैं इस व्लॉग को यहीं पे कर रहा हूँ एंड, क्योंकि अब थोड़ा सा घर लेके चलते हैं, अभी अब बकर का घर करीब था तो वहीं ले आया हूँ। यार बदला नहीं लिया हम तो, जस्ट पनिशमेंट में हम, मैं तो चाह रहा था कि चल तू खुद ही चलिए जाए करे कॉलेज, ये वो तो ये वैसे ही शुरू होगा बाइक चलाने का। मगरो ला रहा था लेके मुझे ना ही, सुबह सुबह अपना नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ऐसा होता है, शुरुआत में गिरते हैं बच्चे फिर सीखते हैं, गिर गिर के सीखते हैं, वो कहते हैं नहीं गिर गिर के बड़ा हो रहा है, तो तुम्हारा भी यही हिसाब होगा, टेंशन ना लो, ठीक है, ठीक है ना, पानी शानी पियो फिर घर चलते हैं। नहीं मुझे चोट लगी, मैं अपनी गलती की वजह से गिरी हूँ, मेरा से ब्रेक पे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन अब कोई बात नहीं यार, पापा नहीं नहीं कोई मसला नहीं, नहीं पापा 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 तू तो गया बेटे, नहीं पापा को नहीं बताना, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, पापा को नहीं बताना, पापा तो नजर आ रही है यार, अब सियाना क्या हो गया इसमें, तुझे तो वैसे रन पड़वानी चाहिए ना, तो अपनी पनिशमेंट पनिशमेंट के चक्कर में तूने मेरा ये हाल कर दिया। नहीं वो मैंने पापा से पूछते था बाइक सही करानी, वो जो बाइक सही हो रही है ना वो तुम्हारे लेवल की है, तुम्हारी वो हाइट के मुताबिक आएगी और वो स्मूथ भी होगी इससे, ठीक है उसको सही चलाई जाएगी, टेंशन लो। और गाइस कल तक बाइक भी सही होके आ जाएगी और हम जो है ना आलिशा को फिर से बाइक सिखाएंगे और इसे कॉलेज बाइक पे ही भेजा करेंगे, पापा से भी परमिशन ले ली हुई है इस चीज़ की, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, जी जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को दबा दो। ईस्ट एंड द वेस्ट।